हेलो फ्रेंड, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज मैं डबल लेयर की गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीका से, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ड्रेस आजकल काफ़ी फैशन में है। इस ड्रेस को आपने बहुत जगह पे देखा होगा। इस ड्रेस का मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेरा मेजरमेंट है और इसका जो साइज है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही ईजी है, आप एक ही बार में सीख जाएंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने कॉटन फैब्रिक लिया है करीब 1/2 मीटर, वर्क वाला जॉर्जेट फैब्रिक लिया है करीब 1 मीटर और इनर के लिए हमने बटर फैब्रिक लिया है, ये करीब हमने 3 मीटर लिया है। इसके बाद हमें जॉर्जेट फैब्रिक लिया है करीब 5 मीटर। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। कॉटन की फैब्रिक को 4 लेयर में रख लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारा जॉइंट साइड है। उसके बाद टॉप पार्ट का रेंट है आप 14 इंच में 1 इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे और शोल्डर 7 इंच पे मार्क करेंगे। वहीं से हारमोन की तरफ भी हमें 7 इंच पर मार्क कर लेना है और इस तरह निशान लगा लेंगे। इसके बाद आप फिटिंग की मार्किंग करेंगे। हमारा जो भी फिटिंग है उसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका फिटिंग लिखा रहेगा और 2 इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे। हारमोन के साइड भी हमें गुड़ाई का शेप दे देंगे इस तरीके से। इसके बाद अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। उसके बाद नेक की विड्थ रहेगा 3.5 इंच और लेंथ रहेगा 4 इंच। इस तरह एक चौकोर नेक डिजाइन ड्रॉ करेंगे और गुड़ाई का शेप दे देंगे। नेक का रेंट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हारमोन के तरफ भी हमें 1/2 इंच गहराई में निशान लगा देंगे। इसके बाद अब मेन फैब्रिक पे इसे रख के हमें कटिंग कर लेना है। जैसा हमने कॉटन फैब्रिक पे कटिंग किया था, सेम अब मेन फैब्रिक पे रख कर इसे हमें कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा कटिंग हो चुका है। इसके बाद कॉटन की फैब्रिक को हमें अलग करना है और फिर से हमें इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने निशान लगाया था उसे उसी पे हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए, ये हमारा कटिंग हो चुका है। इसके बाद इसे इस तरह रखेंगे और इसी के ऊपर हमें जॉर्जेट की फैब्रिक को रखेंगे। इसके बाद हमें डिजाइन वाले जॉर्जेट की फैब्रिक को रखना है। इसके बाद इसे हमें पलट लेना है। पलटने के बाद हमें गले पे एक सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा सिलाई लग चुका है। इसके बाद अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद पूरे गले पे हमें छोटी छोटी कटे लगा लेंगे ताकि हमें गले को पलटने में इजी हो। इसके बाद अब हमें कॉटन की फैब्रिक को अलग करेंगे और इस तरह हमें पलट लेना है। इसके बाद अब गले पे फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। साइड से भी हमें सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। तो देखिए, ये हमारा सिलाई लग चुका है। अब नीचे के साइड हमें इस तरह की पलेटें लगा लेंगे। इसी तरीके से अब हमें बैक पार्ट को भी सिलाई लगा के रेडी कर लेना है कुछ इस तरीके से। गले पे हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। इसके बाद इसे हमें पलट लेना है। पलटने के बाद अब इसे हमें अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे और इसी के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखेंगे उल्टा साइड और जॉर्जेट की फैब्रिक को इस तरह पलटेंगे और कॉटन की फैब्रिक को हमें इसी के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। पहले हमें कॉटन की फैब्रिक को अलग कर लेना है और कॉटन की फैब्रिक को हमें ऊपर की साइड रखेंगे और शोल्डर पर सिलाई लगा के रेडी कर लेना है।
शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद साइड से भी हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो देखिए ये हमारा सिलाई लग चुका है। बैक पार्ट में भी हमें परेट को लगा के रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में रख लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये हमारा ज्वाइन वाला हिस्सा है और ये हमारा ओपन साइड है। उसके बाद कोना पे टेप को रखते हुए 5 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है और सभी निशान को इस तरह मिला लेंगे। इसके बाद रेंट की मार्किंग करना है। हमारा टॉप पार्ट का रेंट रहेगा 14 इंच। तो 14 इंच पे टेप को रखते हुए नीचे की तरफ हमें रेंट की मार्किंग कर लेना है। इसी तरह पूरे पे हमें 53 इंच पे मार्किंग कर लेना है। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने पूरे पे निशान लगा लिया है। इसके बाद अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये हमारा कटिंग हो चुका है। इसके बाद अब इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। टेप को कोना पे रखते हुए 12 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है और सभी निशान को इस तरह मिला लेंगे। और टॉप पार्ट का रेंट रहेगा 14 इंच। तो 14 इंच पे टेप को रखते हुए नीचे की तरफ हमें रेंट की मार्किंग कर लेना है। इनर फैब्रिक का रेंट मेन फैब्रिक के रेंट से 1 इंच हमारा कम ही रहेगा। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। अब साइड से जो हमारा फैब्रिक बचा है इसी को हमें इस तरह रखेंगे। इसी के ऊपर हमें इस तरह रखते हुए हमें फिर से रेंट की मार्किंग कर लेना है। तो देखिए ये हमारा निशान रख चुका है। इसके बाद अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। इसके बाद इस पे हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरी पार्ट को भी सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो देखिए ये हमारा सिलाई लग चुका है। इसके बाद फिर से हमें दोबारा फैब्रिक को 4 लेयर में रख लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इसका लेंथ है 37 इंच और इसका विड्थ है 8 इंच। इसके बाद यहाँ से भी हमें 8 इंच पे मार्किंग कर लेना है। यहाँ से भी हमें 1 इंच कम रखना है, यानी कि हमें 7 इंच पे इस तरह मार्किंग कर लेना है और इस तरह निशान लगा लेंगे। दोनों निशान को इस तरह हमें मिला लेना है। इसके बाद अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये हमारा कटिंग हो चुका है। इसके बाद इसे इस तरह खोल देंगे। दोनों फैब्रिक को हमें अलग कर लेना है। उसके बाद इस तरह की पट्टी लेंगे। ये करीब हमने 2.5 इंच की पट्टी ली है और इसी को हमें उल्टा साइड रखेंगे और इस सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमें इस तरह पलट लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से पूरे पे हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट को भी रेडी कर लेंगे सिलाई लगा के। इसके बाद हम इनर की फैब्रिक को इस तरीके से रख लेंगे और इसी के ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रख लेना है। इसके बाद जो हमने रेयर तैयार किया था उसी को हमें बीच सेंटर में रखेंगे
20 सेंटर में मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारा सिलाई लग के रेडी हो चुका है। इसी तरह सेकेंड पार्ट को भी हमें रेडी कर लेना है। इसके बाद अब टॉप पार्ट को लेंगे, बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे उल्टा साइड और कमर पे ये सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट को हमें रेडी कर लेना है। इसके बाद इसे अब हमें उल्टा साइड रखेंगे। पहले हमें जॉर्जेट की फैब्रिक पे सिलाई लगा के रेडी करेंगे। इसके बाद अब हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे ऊपर से लेके नीचे तक हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी करना है। पहले हमें जॉर्जेट की फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद अब हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे ऊपर से लेके नीचे तक हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और नीचे के साइड भी हमें हाफ इंच फोल्ड करके पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। और मेन फैब्रिक पे भी आप चाहे तो पिको भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब हमें स्लीव पे भी इस तरह की पट्टी लगा के रेडी कर लेना है। इसके बाद अब हमें स्लीव को भी लगा के रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, जो कि बनकर बहुत ही प्यारी लग रही है। आप इस ड्रेस को पार्टी वियर के लिए तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सकें। तो मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।